वाव क्लब व चंचला द्वारा करवा चौथ व दिवाली के उपलक्ष्य में मेले का आयोजन द ग्रांड्स बैंकेट में किया गया, जहां सैकड़ों महिलाओं ने इस मेले में शॉपिंग की और एक दूसरे संग खुशियां बांटी। वहीं इस कार्यक्रम की आयोजक स्वाति खन्ना ने बताया कि आज एक तरफ इस मेले में महिलाओं ने अनेकों प्रतियोगिताओं में भाग लिया, शॉपिंग की, तो वहीं दूसरी ओर कई प्रतिष्ठित लोगों ने भी इस मंच पर उपस्थित रहकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। देखिए खास रिपोर्ट। करवा चौथ आते ही महिलाओं के चेहरों पर खुशियां साफ तौर पर देखी जा सकती हैं, क्योंकि करवा चौथ एक पारंपरिक त्यौहार है, सांस्कृतिक भरा त्यौहार है। महिलाएं इस त्यौहार में अपने पतियों के लिए लंबी उम्र की दुआएं करती हैं, मन्नतें मांगती हैं, और इसके अलावा दीपावली का पर्व भी बहुत नज़दीक है, जहाँ पर एक उत्सव का आयोजन किया गया है। करवा चौथ और दिवाली उत्सव के मेले का ये आयोजन किया गया है। सामाजिक संस्था चंचला और वाव क्लब के संयुक्त तत्वाधान में इस आयोजन में हम मौजूद हैं। यहाँ पर जो महिलाएं हैं, घरेलू महिलाएं हैं, उन्होंने अपने प्रयासों से अपने परिवार की खुशियों को बिखेरने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। हमारे साथ मौजूद हैं स्वाति सचदेवा जी, जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, और भी बहनें हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि उस कार्यक्रम में क्या विशेषता रही और करवा चौथ की खुशियाँ वो किस तरह से मना रही हैं। स्वाति जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद बहुत बहुत। आज चंचला वाव क्लब के द्वारा कार्यक्रम करवा चौथ और दीपावली का किया गया है, लगातार आप लोग करते रहते हैं, तो आज की विशेषता क्या है? आज की विशेषता यही है, देखिए हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि कुछ नया कुछ अलग किया जाए। इस बार हमारे जितने स्टॉल्स लगे हैं वो सारी हमारी बहनों ने लगाए हैं, मतलब सारी महिलाओं ने लगाए हैं, और क्योंकि हम जानते हैं कि लक्ष्मी जी की पूजन का त्यौहार दिवाली आ रहा है, तो ये सारी हमारी लक्ष्मी जी जो हैं वो आज स्टॉल लगाए बैठी हैं। आसान नहीं है किसी भी महिला के लिए घर से बाहर निकलना, आके कुछ काम करना, तो हमने कोशिश करी है कि एक छोटा सा प्लेटफॉर्म से ही शायद शुरुआत करें, पर उनके लिए करें और उनको एनकरेजमेंट मिले। और मैं बहुत बहुत धन्यवादी हूँ पूरी हमारी वाव क्लब और चंचला की टीम की, हमारे सारे मेंबर्स की, और उससे भी ज़्यादा हमारे सारे शॉपिंग करने आने वाले लोगों की। अगर ये पूरी टीम सब लोग, और जो मतलब ये तो बहुत कम चेहरे आपको दिख रहे हैं, जहाँ ये जो भरा भरा है इससे पूरा टीम है वाव क्लब की और चंचला की, इन्होंने मिलकर इतना शानदार आयोजन किया है कि इतनी आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में लोग आए हुए हैं, कितनी लोग शॉपिंग कर रहे हैं, कितनी ज़्यादा लोगों को एनकरेजमेंट मिल रही है, तो इसके लिए मैं तो सबकी तहे दिल से धन्यवाद दूँ। आंटी, आप क्या कहना चाहेंगे? ये वाव क्लब की तरफ से और चंचला की तरफ से ये बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है, करवा चौथ दिवाली का बहुत अच्छा मनाया जाता है, सब लोग अच्छा एंजॉय करते हैं और खुशियों से मनाया जाता है। थैंक यू। आप क्या कहना चाहेंगे सिस्टर? शुक्राना गुरुजी का बहुत बहुत, उन्होंने इतना अच्छा हमारा एग्जीबिशन हर बारी वो इतना बढ़िया करवाते हैं। थैंक यू फॉर ऑल लेडीज, सबको बहुत बहुत थैंक यू, थैंक यू। महिलाएं यहां पर और भी मौजूद हैं हमारे साथ में, और यहां पर जो आप देख सकते हैं, मैं अपने साथी को कहना चाहूंगा कि हमारे राइट साइड में दिखाएं कि किस तरह का यहां पर एक जो आयोजन किया गया है, पूरा मेले का आयोजन है। यहां पर सारी महिलाएं आई हुई हैं, खरीदारी कर रही हैं, परिवार सहित बच्चे भी साथ में हैं, और हर तरह के स्टॉल को यहाँ पर प्राथमिकता दी गई है, जिसमें घरेलू जो सामान है, जैसे दिनचर्या की सामान है, या ज्वेलरी कह लें, या आप कपड़े कह लें, हर तरीके की यहाँ पर व्यवस्था की गई। दूर दूर तक आप देख सकते हैं, ये नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं वाव क्लब और चंचला की ओर से दिवाली और करवा चौथ मेले का। एक बार हम दोबारा आएंगे, कुछ और बहनें हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, हम उनसे फिर जानेंगे कि आज के इस मेले में क्या कुछ विशेषता रही है। सिस्टर, क्या कहना चाहेंगे, इस मेले का आयोजन आप लोगों ने किया है, यहाँ पर आप आए हैं, कैसा लगा? सर, मेरा यहाँ आने का पहला एक्सपीरियंस है, और मुझे वाव और चंचला क्लब के स्वाति खन्ना जी और शेफाली जी और स्मिता मित्तल जी, दीपा मेहरा जी ने यहाँ पर इनवाइट किया है, और बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड ये टीम है, और मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पर देख सकते हैं आप, इतना रश है और ये लोग हर चीज़ इतने ज़्यादा अच्छे से एक्सप्रेस करके करते हैं, हर रीजनेबल प्राइस पर इनकी एग्जीबिशन है, और लास्ट ईयर भी थी। मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा, आई एम वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस एग्जीबिशन, और मैं सबको थैंक यू बोलना चाहूँगी, धन्यवाद जी। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ऋतु जमरिया यहाँ की इवेंट मैनेजमेंट की मैं भी हूँ, और मैंने आज यहाँ पे देवश्री ग्रुप मेरा है जिसकी मैं फाउंडर हूँ, और आज मैंने यहाँ पे स्पॉन्सर किया, और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं एस्ट्रोलॉजिकली सबको सब कुछ अपनी तरफ से जो भी कर सकती थी, और देश महिलाओं के लिए और सबके लिए जो करना चाहती थी वो आज मैं कर रही हूँ, और मेरे को बहुत अंदर से तृप्ति है। और यहाँ पे आप क्राउड देख रहे हैं, कितना बड़ा क्राउड है,
ये तो हमेशा ही बढ़िया रहता है। हम तो वाओ के परमानेंट मेंबर हैं, एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं, तो वाओ इज ऑलवेज वाओ। और चंचला के साथ मिलकर तो ये अपनी चंचलता और भी खेल रहा है। जी आपका क्या कहना है? मैं वाओ क्लब के एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ, लेकिन वाओ का जब भी कोई भी एग्जीबिशन होता है इतना क्लासिक होता है, सारे मतलब इतने अच्छे, मतलब वुमेन्स जो लगाती हैं स्टॉल इतने बढ़िया होते हैं ना कि शॉपिंग भरपूर करके जाती हैं। वाओ और चंचला मिलके ग्रेट अमेजिंग। जी क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूंगी कि स्वाति हमेशा इतना एंटरटेन करती है और सारी ही महिलाओं को इतना प्रोत्साहन देती है। आप इस मेले में आए हैं तो आप देखेंगे कि सारी महिलाएं आगे बढ़कर इतना प्रयास कर रही हैं, बिजनेस इतना फैला रही हैं, तो आज के इस डेट में स्वाति जैसे लोग ही हम जैसी महिलाओं को प्रमोट करेंगे। इस वक्त हम फिर यहाँ पर आ गए हैं, आप देख सकते हैं मंच पर हम दोबारा पहुँचे हैं और कुछ बहनें हमारी और यहाँ पर खड़ी हैं। हम उनसे भी जानना चाहेंगे, कुछ बहनें यहाँ पर वो हैं जिन्होंने इस मेले में पूरी तरह से अपना सहयोग दिया है, दिन रात मेहनत की है, इसका आयोजन किया है, वो हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनके भी वक्तव्य जानेंगे कि उनकी क्या, किससे प्रेरणा लेकर उन्होंने इस मेले का आयोजन किया, क्योंकि सभी महिलाओं को एकत्रित करके एक सामाजिक पटल पर लाना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो हम बहनों से जानेंगे कि जो बहनें रह गई हमारी, हम उनसे भी पूछेंगे कि इस कार्यक्रम को करने का, महिलाओं को एकत्रित करके समाज में अग्रणी रूप से लाने का जो उद्देश्य है, जो प्रेरणा है, वो कहाँ से मिली। बहन जी क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार, मेरा नाम स्मिता मित्तल है। मैं वाओ क्लब से कुछ समय से जुड़ी हुई हूँ और यहाँ पे जो हम ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करते हैं पूरी टीम मिलके, आप देख सकते हैं कि कितना सिस्टमेटिक एक तो वो ऑर्गेनाइजेशन होता है और कितना भव्य तरीके से वो ऑर्गेनाइज होता है कि सब सारी महिलाएं उसमें एकजुट होकर जो काम करती हैं उससे सभी को मुझे लगता है कि प्रेरणा मिलती है आगे से आगे वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप की। ठीक है, ये महिलाओं का प्रोग्राम है, महिलाओं के द्वारा किया गया प्रोग्राम है। यहाँ पे महिलाओं की खुशी के लिए हम लोग काम करते हैं और सारी महिलाएं मिलके सारा काम करती हैं, सबसे बड़ी बात यह। तो एक दूसरे से प्रेरणा लेते हैं, बहुत बड़ी प्रेरणा सब लोग लेते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं और खुशी खुशी सारे काम करते हैं। स्वाति जी कार्यक्रम की आयोजक हैं आप, आपसे अंत में एक छोटा सा सवाल ये रहेगा कि इस कार्यक्रम को करने के लिए महिलाओं को घर से निकाल कर सामाजिक पटल पर लाकर पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा करने का जो आपने प्रेरणा है वो किस तरह से ली? देखिए मुझे लगता है सब कुछ अपने परिवार से शुरू होता है, क्योंकि मैं एक ऐसी फैमिली से आती हूँ जहाँ मेरे फादर मुझे बहुत शुरू से एनकरेज और सपोर्ट करते आए हैं। फिर बहुत भगवान की कृपा से हस्बैंड भी ऐसे ही मिले कि जिन्होंने हमेशा आगे से आगे बढ़ने के लिए एनकरेज किया। और सबसे बड़ी बात, भगवान ने ना इतना साथ दिया है कि एक से एक बढ़ते, जैसे 11 होते हैं ना, 111 1000 111 होते चले गए, तो जब सब एक साथ मिल जाती है ना तो वो एनर्जी ही अलग होती है। तो जितना शुक्राना भगवान का किया जाए इस चीज़ के लिए उतना कम है। और बहुत बहुत धन्यवाद फिर से सबका आने के।